दरभंगा में पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्राओं ने की छेड़खानी, जमकर हुआ बवाल। मौके पर पहुंची पुलिस। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्राओं के द्वारा किया जा रहा लगातार उपद्रव की घटना से स्थानीय लोगों काफी परेशान चल रहे। ताज़ा मामला कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के द्वारा छेड़खानी का है, जिसको लेकर पॉलिटेक्निक छात्र और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट की घटना गुरुवार को हो गई, जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराते हुए मौके पर कैंप कर रही। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पॉलिटेक्निक के छात्रों के द्वारा लगातार विभिन्न प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है। वहीं स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा स्थानीय लोग और छात्राओं के बीच मेल मिलाप कर घटना को लीपापोती किए जाने का खेल लंबे समय से खेला जा रहा, जिसके कारण कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों का मनोबल काफी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त कॉलेज की स्थापना हुई थी, हम लोग काफी खुश थे कि जिला का नाम रोशन होगा। यहां से पढ़कर छात्र छात्राएं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुजरात समेत विदेश जाकर नौकरी करेंगे, लेकिन पॉलिटेक्निक की पढ़ाई शुरू होने के बाद से ही छात्र द्वारा उत्पात मचाना, हंगामा करना एक आदत सी बन गई है। छात्रों द्वारा कभी छात्राओं के साथ बस सलूकी तो कभी स्थानीय लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता रहा है, जिसके कारण यहां का माहौल अशांत हो गया है तथा प्रशासन को भी सिर दर्द बन गया है। और कई बार तो यहां के छात्र कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन से भी उलझ गए हैं। फिलहाल कैमरे के सामने छात्रों के आतंक से स्थानीय लोग कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। आज जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र के द्वारा संजीत साहु के लड़का को मारपीट किया गया और दिन की घटना है। इसके पूर्व 19 तारीख को पॉलिटेक्निक कॉलेज के लड़का के द्वारा ही हैदराबाद चौक के विशाल साहु के साथ मारपीट किया गया। जब यहां पर के लोगों को जानकारी हुई तो ये लोग भी गोलबंद हुए और आपस में विचार विमर्श करके ये लोग एकत्रित हुए और पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो लड़का सब इधर आ रहा था उसके साथ झड़प हुआ, जिसमें एक लड़का घायल है उधर से भी, और संभवतः वो पॉलिटेक्निक का है अथवा नहीं यह पहचान नहीं हो पाया है, लेकिन वह घायल है और कहीं वो इलाजरत है। दोनों पक्ष को समझा बुझा करके भी शांति बहाल किया गया है। ग्रामीणों द्वारा, मोहल्लावासियों द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो लड़का आसपास के मोहल्ला में किराया लेकर रह रहा है उसको भी तलाश कर रहे हैं मारपीट करने के लिए। फिर उन लोगों से बात हुई है और अभी स्थिति तनावपूर्ण नहीं है, शांतिपूर्ण है। हम लोग उस पर नियंत्रण रखे हुए देखेंगे। कारण क्या बताया जा रहा है, विवाद का कारण क्या बताया जा रहा है, आरोप क्या है? आरोप है कि मोटरसाइकिल से संभवतः 19 तारीख को ट्रेन के किसी लड़का को लग गया था, इसी में विवाद बढ़ा है। लेकिन सब स्थानीय लोग छेड़खानी का आरोप लगा रहे हैं छात्रों का, और जांच हम लोग कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है।